बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या बेस्ट स्मॉल कैप स्मॉल केसेस, कहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने 6 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैंने लिया है एंड 7 बेस्ट स्मॉल कैप स्मॉल केस पोर्टफोलियो को मैंने लिया है। एंड ये सारे जो पोर्टफोलियोज है इसे हम कंपेयर करेंगे, पहले देखेंगे कि पास्ट रिटर्न कैसे दिया है, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में जाएंगे जहां पे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस है एंड कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने आज के डेट में जो बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है। नंबर 1 में मैंने क्वांट स्मॉल कैप लिया है एंड निपुण इंडिया 2nd में, 3rd में HDFC स्मॉल कैप फंड, 4th में ICICI स्मॉल कैप प्रूडेंशियल फंड, 5th में एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड 7th में SBI स्मॉल कैप फंड। तो ये जो, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे बेस्ट है, इसके अलावा और नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये आज के डेट में ऑल द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज आर कंप्लीटेड मोर देन 10 ईयर्स। सो यहाँ पे मैंने 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे शो किया है, सो दैट आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो यहाँ पे देखो, क्वांट स्मॉल कैप में लास्ट 3 साल से, यानी लास्ट 3 ईयर से 40.31% एनुअल रिटर्न दिया है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, ये एनुअलाइज रिटर्न। अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप ने 49% रिटर्न दिया है एंड लास्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे 28% रिटर्न दिया है। अगर आप निपोन इंडिया के भी देखोगे तो सिमिलरली 3 ईयर्स में 34%, 5 ईयर में 38%, 10 ईयर में 26.21%। अगर आप बाकी जितने सारे म्यूचुअल फंड देखोगे, ऑलमोस्ट ऑल आर गिवन मोर देन 25% यहाँ पे लास्ट 3 साल से, 5 साल से 28% एंड लास्ट 10 ईयर्स में ये 23%, 22% ऐसे दिया है। अगर आप यहाँ पे एवरेजली निकालोगे यहाँ पे सारे जो म्यूचुअल फंड्स की 3 ईयर्स के, 5 ईयर्स के, 10 ईयर्स के डेटा, तो देखोगे लॉन्ग टर्म में ये मैक्सिमम 24.09% एवरेज दिखा रहा है। और ये भी और भी कम हो सकता है अगर मैं ये क्वांट स्मॉल कैप को यहाँ पे उठा दूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेजली 3 साल में 28%, यहाँ पे 32% 5 साल में दिखा रहा है एंड 10 साल में यहाँ पे 23% दिखा रहा है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि क्वांट स्मॉल कैप यहाँ पे खराब है, क्वांट स्मॉल कैप मुझे अच्छा लगता है, बट मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में या फिर म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो आपको अभी तक जो डेटा दिखा रहा है 20%, 22%, 23% या मैक्सिमम 25% तक रिटर्न दे रहा है लास्ट 10 ईयर से। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए करते हैं, यहाँ पे 2-3 साल के लिए नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप स्मॉल केसेस को देखोगे, यहाँ पे मैं और एक शीट में लेके चलता हूँ, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। सो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 7 बेस्ट आज के डेट में जो जितना मैं जानता हूँ, तो ये सारे स्मॉल कैप स्मॉल केसेस पोर्टफोलियो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया। नंबर 1 में मैंने राइट स्मॉल कैप को लिया है, नंबर 2 में स्मॉल कैप कंपाउंडर व्हिच इज मैनेज्ड बाय ग्रीन पोर्टफोलियो, नंबर 3 में अगेन ग्रीन पोर्टफोलियो की एक स्मॉल कैप है, हाई क्वालिटी राइट प्राइस, नंबर 5 में तेजी मंडी मल्टीप्लायर जो काफी पॉपुलर भी है, नंबर 6 में लिस्टेड वेंचर कैपिटल, ये थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दिया है बट एनीवे हम देखेंगे, एंड नंबर 7 में मिड एंड स्मॉल कैप फोकस्ड पोर्टफोलियो जो निवेशाय मैनेज करते हैं, काफी बार मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया है, एंड देन नंबर 7 में ओमिनी सुपरस्टोन सुपर स्मॉल कैप सुपर टर्म्स। तो ये जो सारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का आप देखोगे, ऑलमोस्ट ऑल आर कंप्लीटेड मोर देन 3 ईयर्स एंड ओनली 1 स्मॉल कैप यहाँ पे देखोगे लिस्टेड वेंचर कैपिटल जो 5 साल रिटर्न यहाँ पे, यानी 5 साल कंप्लीट कर चुका है स्मॉल कैप प्लेटफॉर्म में। सो यहाँ पे आप देखो बाकी जो कॉलम, आप देखोगे कौन सा मंथली रिबैलेंस होता है, कौन सी ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस क्या है, मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट अब रिटर्न को अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड का 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिटर्न आप देख रहे थे, मैं यहाँ पे स्मॉल कैप तो ऐसे भी 10 साल हुआ ही नहीं प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 5 साल का जो रिकॉर्ड है ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बट एनीवे ये सारे स्मॉल कैप 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 3 ईयर 4 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे किसी एक भी स्मॉल कैप जो आपको यहाँ पे 20-25% नहीं दिया, आप 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, ऑलमोस्ट ऑल आर गिवन मोर देन 40-45%। अगर आप एवरेजली अगर निकालोगे तो आपको एवरेज 51% से भी ज्यादा रिटर्न, यानी तो कह सकते हो 50% रिटर्न ये स्मॉल कैप स्मॉल कैसेस दिया है लॉन्ग टर्म में। अगर आप 5 साल का डाटा देखोगे, ओनली 1 स्मॉल कैप जो लिस्टेड वेंचर कैपिटल, यहाँ पे 49.83% रिटर्न दिया है, बट आगे क्या देगा वी डोंट नो। बट मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा रिटर्न दिया है।
तो अभी यहाँ पे अब दूसरे कॉलम को अगर आप देखोगे कि किसी म्यूचुअल फंड सॉरी किसी स्मॉल कैप, यहाँ पे मंथली रिबैलेंस होता है, किसी में क्वार्टरली रिबैलेंस होता है, और किसी में नीड बेसिस, यानी जब स्मॉल कैप मैनेजर को लगेगा कि नहीं अभी मेरा जो स्टॉक्स है ये इसका हाई पॉइंट में पहुंच चुका है, मुझे इसे हटाना पड़ेगा, दूसरे कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसे में रिबैलेंसिंग होती है। तो ये नीड बेसिस जब भी उनको लगेगा तब ये करेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन फीस भी देखोगे, जो मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, यहाँ पे देखो मैं ईयरली सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्राइस लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द स्मॉल केसेस आर नॉट प्रोवाइडिंग ईयरली सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो जिस हिसाब से मैंने ईयरली कैलकुलेशन किया। लेट से आप राइट स्मॉल केस जो राइट रिसर्च की है, यहाँ पे आप देखोगे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, वो हाफ ईयरली यानी 6 मंथ में आपको 3600 रुपये यानी 3600 रुपीज देना होता है, जो ईयरली 7200 मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो स्मॉल केसेस, जो लिस्टेड वेंचर कैपिटल एंड मिड एंड स्मॉल के वाली जो स्मॉल केसेस, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी सब बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन फीस है। एंड ऑब्वियसली मेरे पास भी अभी डिस्काउंट कूपन कोड है, जो ऊपर का 3 स्मॉल केस है, राइट स्मॉल कैप कंपाउंड एंड हाई क्वालिटी राइट प्राइस, ये तीनों का डिस्काउंट कूपन कोड है। अगर आप इसे भी यूज करते हैं तो आपको और भी सस्ते रेट में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो ईयरली 5000 या 5.5 के यानी 5500 रुपये में भी आपको मिल सकता है। एनीवे मुझे ये आपको कोई एडवाइस नहीं देना है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, दिस इज कम्प्लीटली एजुकेशनल फॉर वीडियो। तो ये मेरा कम्प्लीटली खुद का एनालिसिस वीडियो है, जो मैं आपको डेटा कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो यहाँ पे जो रिटर्न आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि ये लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैश पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दिया है। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे पैसा जो है आप स्मॉल कैश में इन्वेस्टमेंट कर दोगे। अगर आपको ये जानने में है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो डिजाइन करना है ना, तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। मैंने पहले ये वीडियो बनाया था कि मैं अपना पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन किया है, वहां पे मैंने कितना परसेंट कहाँ पे एलोकेट किया, मैं कहाँ पे स्मॉल कैश म्यूचुअल फंड में यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या फिर स्मॉल कैश पोर्टफोलियो में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया, कैसे स्मॉल कैश में इन्वेस्टमेंट किया है, किस तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे दिखाया। एक्सेल शीट भी है, तो आप खुद जाके भी डिटेल्स में आप अपना वैल्यू एंट्री करके भी आप देख सकते हो। आप एक बार जाके वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा ना लगे मुझे बताना, कमेंट करके बताना अगर वहां पे और कुछ समझने में दिक्कत हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो के सेकंड पार्ट में जाने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है। मैंने यहाँ पे देखा 68% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओनली 32% व्यूअर्स ही सब्सक्राइब करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है आपको क्लिक करने में। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा जो कम्युनिटी है वो बढ़ेगा, और हम सब यहाँ पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा आपको जितना अच्छा हो सके वीडियो आपके लिए बना के लाऊं, एंड ऐसे कंटेंट आपको दूं तो सुधर आपको ये मदद कर सके। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, जो मुझे और भी मोटिवेट करेगा। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहां पे कितना पैसा लगता है। सो नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली स्मॉल कैश पोर्टफोलियो की चार्जेस कैसा है, एंड एग्जैक्टली हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपेंसिव है या फिर स्मॉल कैश ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड देखेंगे कि यहाँ पे इतने सारे पैसा देने के बाद कितना परसेंट रिटर्न हमें जनरेट करते हैं, रिस्क ऑफ रिवॉर्ड जो होता है वो सही में म्यूचुअल फंड से अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड ही अच्छा है। एनीवे, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज लिया है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स 15 लिया है। जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो आप परचेज करोगे, किसी भी स्मॉल कैश पोर्टफोलियो आप लोगे, चाहे वो राइट का ले लो, चाहे आप लिस्टेड वेंचर का ले लो, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज का जो स्टॉक्स होते हैं, जो नंबर ऑफ कंपनीज होते हैं, 15 नंबर ऑफ कंपनीज का स्टॉक्स है। एंड मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप 3 साल में आप 50% रिटर्न आप कमाओगे, यानी 50% रिटर्न आप जनरेट करोगे। बताओ, ये गारंटी नहीं है, जो रिकॉर्ड दिखा रहा है, मैं आपको दिखाया पहले सेक्शन में कि आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो मैं आप इसलिए 50% लेके चल रहा हूँ। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर आप 3-4 साल वेट करोगे, स्मॉल कैसेस में इन्वेस्टमेंट करोगे, आई बिलीव कि ये रिटर्न मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे मैंने डे जीरो में 5 लाख रुपीज, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में आपको दिखा रहा हूँ, 5 लाख रुपीज इनिशियल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे 15 है, जैसे आपको कहा है 15 कंपनियों का स्टॉक्स है यहाँ पे। तो ट्रेड जो होता है आपका ट्रेडिंग अमाउंट बाय एंड सेल्स, सेल्स तो कुछ होती नहीं है, बाइंग 5 लाख रुपीज है। यहाँ पे इनिशियली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, स्मॉल कैश चार्जेस आपके 100 रुपीज होता है, एंड इनके ऊपर आपको 18% जीएसटी भी देना होता है, जो 118 रुपीज टोटल चार्जेस है। अगेन यहाँ पे ब्रोकरेज भी देखोगे, ब्रोकरेज मतलब जैसे आप लेट से जीरोधा के साथ आप जा रहे हो, या फिर धन के साथ जा रहे हो, या फिर एम स्टॉक्स के साथ जा रहे हो, अपस्टॉक्स के साथ जा रहे हो, किसी भी ब्रोकर अकाउंट के साथ जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो वहां पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है, जो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर है तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस कुछ है नहीं। और यहाँ पे सर्विस टैक्स देखो, यहाँ पे 500 रुपीज है, क्योंकि यहाँ पे
0.10% आपको सर्विस टैक्स लगेगा आपका ट्रेडिंग अमाउंट के ऊपर। लेट से आपने इनिशियली 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो सेल्स तो कुछ हुआ नहीं, तो टोटल आपका अमाउंट हो गया 5 लाख, तो उसके ऊपर अगर आप 0.10% होगा तो 500 रुपीज यानी 500 रुपये यहाँ पे चार्जेस होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फी जो होती है 17.25 जो 0.00345% है। सिमिलरली जीएसटी उसके ऊपर अगेन ये चार्जेस के ऊपर आपको लगेगा 18% 3.105। भाई गवर्नमेंट कितना टैक्स रहता है आप सोच के देखो। देन स्टाम्प एंड ड्यूटी जो बाइंग के ऊपर लगेगा, सेल्स करने में नहीं लगता है, जब आप बाइंग करते हो स्टॉक्स को बाय करते हो तब उसके ऊपर आपको 0.015% जो 75 रुपीज। सेबी का चार्जेस यहाँ पे अगेन उसके ऊपर 0.001% जो 0.5। एंड देन डीपी चार्जेस जो आप जब सेल्स करते हो तब जाके आपको लगता है, तो यहाँ पे सेल्स तो कुछ हुआ नहीं, दैट्स व्हाई इट्स जीरो। सिमिलरली मैं यहाँ पे और चार कॉलम लिया है, लेट्स से आपका 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ। ये जो रिबैलेंस 1, 2, 3, 4, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ओनली 4 बार यहाँ पे 3 साल में रिबैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगा आपको। मैं मंथ बाई मंथ यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि किसी भी मैक्सिमम जो स्मॉल केसेस है मंथली रिबैलेंस होता है, किसी किसी स्मॉल केस पॉपुलर स्मॉल केस जो वीकली या नीड बेसिस होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, लेट्स से मैं फर्स्ट रिबैलेंस यहाँ पे लिखा है 6 मंथ, दैट मीन्स 6 बार रिबैलेंस हो चुका है। एंड रिबैलेंस में लेट्स से टोटल अमाउंट आपका जो सेल्स एंड बाय जो होती है मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे 6 महीने के बाद यहाँ पे 2 लाख लिख देते हैं बाइंग अमाउंट एंड सॉरी सेल अमाउंट एंड बाइंग अमाउंट अगेन आप वही 2 लाख लेके चलिए, तो आप यहाँ पे 2 लाख सेल्स अमाउंट, 2 लाख बाइंग अमाउंट। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही ट्रेडिंग अमाउंट 4 लाख हो गया, ट्रांजेक्शन फीस आपका कुछ है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब रिबैलेंस होता है स्मॉल केस में कोई भी चार्जेस नहीं होता है, कोई भी चार्जेस स्मॉल केस यहाँ पे नहीं लेता है। ब्रोकरेज भी यहाँ पे अगेन डिस्काउंट टू करे कुछ भी नहीं, सर्विस चार्ज वगैरह ये सब मिला के यहाँ पे 111 रुपीज होता है। सिमिलरली 12 मंथ में जब रिबैलेंस 2 होगा, यानी इसका मतलब नहीं कि 1 साल के बाद रिबैलेंस होगा, मैं नेक्स्ट 6 मंथ के बाद ये अमाउंट को एंट्री कर रहा हूँ। लेट से यहाँ पे आपने 1 लाख रुपये का यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया और इसके नीचे आप चले जाते हैं, फिर से लेट से आपने बाय किया, आपने लेट से 50,000 आपने बाय किया, तो ऐसे आप यहाँ पे भी एंट्री कर दो। लेट्स से यहाँ पे मैंने 1.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे एंट्री किया, फिर से यहाँ पे 1.5 लाख रुपए ले लेता हूँ। लेट्स से जितना रुपए आपने सेल किया उतना रुपए का आपने स्टॉक को बाय भी किया, मतलब स्मॉल कैप मैनेजर ने रिबैलेंस किया तो इसी हिसाब से ये होती है। और देन अगेन मैं यहाँ पे लास्ट रिबैलेंस में एंट्री कर देता हूँ, लेट्स से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हो गया आपका अमाउंट। देन यहाँ पे मैं फिर से 1 लाख रुपए दे देता हूँ, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। एंड लास्ट में 3 साल के बाद यानी 36 मंथ में आपने टोटल सेल्स कर दिया, जो 50% यहाँ पे होता है, 7,50,000 आपका टोटल कॉर्पस बना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे बाय सेल अमाउंट एंट्री किया एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्रिप्ट यानी रिबैलेंस में देखा गया कि 7 कंपनियों का स्टॉक्स को हेरफेर किया गया है, सेल किए हो या फिर बाय किए हो, तो ऐसे यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया है, तो ये एक एजम्पशन है, इसमें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ये हो सकती है। तो यहाँ पे देखोगे टोटल जो आपका चार्जेस वगैरह मिल के यहाँ पे देखो ये 0.71% आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है। नॉर्मली अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी देखोगे तो ऐसे ही आपको एक्सपेंसेस यूज होते हैं। और यहाँ पे जो आपका टोटल यहाँ पे कॉर्पस बन रहा है 7,50,000, इसका मतलब है आपका प्रॉफिट हो रहा है 2.5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख था। एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन उसी हिसाब से देखो तो 0.71% आपका एक्सपेंसेस होता है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि म्यूचुअल फंड जैसा ही यहाँ पे एक्सपेंसेस है, बट इससे ज्यादा भी यहाँ पे और एक एक्सपेंस है, दैट इज सब्सक्रिप्शन फीस। तो यहाँ पे इस टाइम में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लेट से आपने 25% यहाँ पे रिटर्न कमाया, तो यहाँ पे आप देखो 50% आपने स्मॉल कैप से कमाया। और यहाँ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस लेट से आपने मैक्सिमम 10,000 रुपए दे रहे हो। लेट से यहाँ पे जैसे मैंने आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैक्सिमम कितना आप चार्जेस दे रहे हो सकता है किसी का 20-25 हज़ार हो सकता है, बट मैंने जितने मिनिमम चार्जेस वाले स्मॉल कैप से मैंने उठा के यहाँ पे लिस्ट किया था, आप देखोगे वहाँ पे 10,000 से शायद ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे 10,000 रुपए लेट से आप दे रहे हो सब्सक्रिप्शन फीस एनुअली, एंड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड यहाँ पे आप कितना दिख रहे हो, 5 लाख दिख रहे हो। तो दैट मीन्स आपका जो चार्जेस है ये सब्सक्रिप्शन फीस आने के बाद, आप देखो आपका 2% सब्सक्रिप्शन फीस होता है, तो क्लियरली आप डिवाइड माइनस कर दो तो 50 से 2% अगर जो माइनस करोगे तो यहाँ पे 48% आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और अगेन यहाँ पे आपका लेट से 0.71%, दैट मीन्स आप अगर 3% भी यहाँ पे एंट्री करते हो तो यहाँ पे 47% आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आपको इतना परसेंट ही रिटर्न मिलेगा, बट मैं एजम कर रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप स्मॉल कैसेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना रिटर्न तो आनी चाहिए और एक्सपेक्ट भी करने चाहिए, क्योंकि
हम इतना रिस्क लेंगे, म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम रिस्क होता है। तो एनीवे जो मेरा मेन मकसद था कि आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड आपके सब्सक्रिप्शन फीस ये सब देने के बाद सच में कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है क्या, तो यहाँ पे मैं इस चीज के ऊपर आपको दिखाना चाहता था। देन आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कौन विनर है। सो नाउ फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न देता है, एंड आफ्टर ऑल आप सारे चार्जेस देने के बाद। बट द मेन थिंग इज कि आपको यहाँ पे नंबर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैं यहाँ पे 10 लाख कर देता हूँ, 10 लाख कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ये 10 लाख हुआ नहीं, तो यहाँ पे मैं 10 लाख करता हूँ, देखो 1% हो गया। तो आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना बढ़ाओगे तो आपका सब्सक्रिप्शन फीस, ट्रांजेक्शन फीस ये सारे एडजस्टेड होकर आपके 1-2% के अंदर, जो नॉर्मल आज के डेट में म्यूचुअल फंड का जो सब्सक्रिप्शन जो एक्सपेंसेस ये होता है उसके बराबर में ये आ जाएगा। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 लाख लेके चलिए, 1 लाख रुपये लेके चलिए आप, तो आप देखो कितना परसेंट हो गया। तो आपको हो गया यार मैं तो इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं काफी बार कहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल कैश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट आप यहाँ पे काफी ज्यादा रिटर्न कमा पाओगे। सो फ्रेंड्स, नाउ अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो फ्रेंड्स मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से आप 5 साल के बाद घर खरीदना चाहते हो, या फिर लेट्स से आप 10 साल के बाद बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ ज्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैश में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना म्यूचुअल फंड में यूनिट मिलती है, तो वहां पे आप अच्छे से प्लान कर सकते हो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको ये चीज भी समझना हो ना कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने एक स्मॉल कैश मैनेजर के साथ वीडियो बनाया था, जो गोल्फी स्मॉल कैसेस के मैनेजर है मिस्टर रवि नारिया, उनके वीडियो आप देख सकते हो, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। अगर आपको वेल्थ जनरेट करना हो, आपको ज्यादा रिटर्न कमाना हो, जो आप उस पैसे को अपना एम कंप्लीट होने के बाद आप उसे डाइवर्ट कर सकते हो, तो ऐसे में स्मॉल कैश काफी अच्छा ऑप्शन है, जहां पे आपको कोई रिसर्च नहीं लगता है। आप कोई अच्छा स्मॉल कैश यानी स्मॉल कैप हो सकता है या फिर मल्टी कैप स्मॉल कैश हो सकता है, किसी भी पोर्टफोलियो आपको अच्छा लगता है तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड आप वेल्थ जनरेट करके आप उस पैसे को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही कहना था, एंड मैं क्लियर पिक्चर देने के लिए कोशिश किया कि आपको एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्मॉल कैश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मैंने काफी सारे स्मॉल कैश के डिस्काउंट कूपन कोड मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अगर उसे यूज करते हैं तो आपको 25% 30% तक भी इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपको इनिशियल स्टार्टिंग करने में मदद होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ऐसे में मैं जब वीडियो लेके आता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।